हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में ग्रुप टू सब ग्रुप फोर, जिसके अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर्स हाई ग्रेड थ्री से हाई ग्रेड वन और स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट निकाली जाती हैं, तो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की रिक्रूटमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कम्बाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 21 से 28 नवंबर 2020 की इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है। ठीक है, इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट 21 से 28 नवंबर 2020 है, यानी कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं, जनरल मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों। इसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताती जाऊँगी, आपको टॉपिक यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी मैं, और प्लस उसके उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट थे, ये बोल रहे थे कि मतलब कि जनरल मैनेजमेंट का कहीं पर सिलेबस नहीं मिला है, मतलब ना कोई जनरल मैनेजमेंट की क्लासेस लगाता है, और अगर बताते हैं तो इंग्लिश में मिल जाती है, हिंदी मीडियम में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कवर करूँगी टॉपिक जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर से आए हैं, और व्यापम के एग्ज़ाम में आगे भी इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की ये फर्स्ट क्लास है और पर डे एक क्लास कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि टर्म मैनेजमेंट होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन व्यापम में प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के लेबर इंस्पेक्टर के, उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट में अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर है कि प्रबंधन, प्रबंध या मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं उसको हम प्रबंध भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, तो यहाँ पे प्रबंध या मैनेजमेंट से आशय विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार से नियोजित समन्वित अभिप्रेरित या नियंत्रित करने की प्रक्रिया से है, जिससे लक्ष्यों को मतलब कि जो लक्ष्य हैं उसको न्यूनतम लागत पर अधिक कुशलता से प्राप्त किया जा सके एवं भविष्य में सुधारा जा सके। अगर हम संक्षेप में बात करें, शॉर्ट में, तो मैनेजमेंट क्या है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। मैनेजमेंट क्या है कि चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, प्लानिंग से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग देकर, ठीक है, तो सिंपली मैनेजमेंट ये है। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो दूसरे व्यक्तियों से किसी कार्य को कराने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है, तो सिंपल आपको ये टर्म रखना है याद। उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, और साथ में मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन बताए गए हैं जो 7 हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, फर्स्ट है नियोजन, यानी कि प्लानिंग, संगठन जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तियाँ, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्शन होता है, सामान्य व्यय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण को कंट्रोल बोलते हैं, और उत्प्रेरण यानी कि मोटिवेशन, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सातों के नाम कि 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के, और इनसे क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैनेजमेंट के जो एलिमेंट हैं मैनेजमेंट के, उनमें से कौन सा नहीं है, तो चार ऑप्शन थे जिसमें आपका प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, ठीक है, यानी कि संगठन था, और यहाँ पे था आपका कोऑर्डिनेशन था, और एक था यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, CENTRALIZATION, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन था, तो ये सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, तो ये इसका फंक्शन नहीं था, तो इसमें हमें नॉट लगाना था। बाकी नियोजन था, सामान्य व्यय कोऑर्डिनेशन था और ऑर्गेनाइजिंग था, तो इसमें क्या नहीं था, सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण इसका फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से इसके क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये सातों आपको फंक्शनों के नाम याद रखने हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे टॉपिक से वो भी मैं बताती जाऊंगी और साथ में आपको आगे एमसीक्यू भी करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे अब आज एक और टॉपिक की, जिस नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि TQM जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगी। ये TQM जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था कि TQM रेफर्स टू, मतलब TQM से आशा है, तो इससे अगर हम बात करें TQM से क्या आशा है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, जो चार ऑप्शन दिए गए थे इसमें अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे हम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो टोटल मतलब कि TQM या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट तकनीक या मेथड है, मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक या मेथड है जिसमें क्या है, जिसमें कि प्रोसेसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं TQM। क्या होता है कि जब कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री वगैरह किसी प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट की प्रोसेस की क्वालिटी होती है, ठीक है, जब वो बनता है कोई प्रोडक्ट, तो उसकी जो क्वालिटी होगी प्रोसेस की, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और जितनी भी क्रियाकलाप हैं जो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में लगती हैं, उन सभी क्रिया सभी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाना क्या कहलाएगा यहाँ पर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो आसान शब्दों में अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझें, तो यहाँ पर है कि आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैनेजमेंट तथा संगठन या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे जैसे थ्योरी में भी डेफिनेशन के टाइप में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट तथा संगठन कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किसको बेहतर सर्विस देने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों की भूमिका क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने में तथा कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने में होती है। तो TQM जो होता है वो किस पर वर्क करता है, अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, या लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक वर्क करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि TQM किसी एक विशेष प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होता है, तभी इसका नाम क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब कि जितनी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, मतलब कि प्रोडक्ट को बनाने से लेकर सप्लाई करने तक, कस्टमर तक पहुंचाने तक और उसका फीडबैक लेने तक, ये पूरी प्रोसेस रहती है कि एक प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या है, उसकी अच्छी सर्विसेज हो, सप्लाई भी अच्छी हो और लोग उसका अच्छा फीडबैक दें, तो ये पूरा किसमें आता है, तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है, जिसमें हम प्रोडक्ट की सभी क्वालिटीज़ को देखते हैं कि क्या हो कि कॉस्ट भी कम हो और बजट में हो और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें, इस टाइप से इसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट हमारा किसके अंतर्गत आए, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हर प्रोडक्ट की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखी जाए, ठीक है। तो यह पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होता है, ये आप याद रख सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पर आधारित होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे प्रोजेक्ट पर, प्रोडक्ट पर या पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एरर्स तथा डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, एरर और डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है तथा कस्टमर को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एरर और डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है और कस्टमर को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये हमारा पूरा आज की ये, तो यहाँ पर आप लोगों ने ये आज क्या सीखा है, यहाँ पर आप लोगों ने सीखा है TQM ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे, वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है, और साथ में आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी आप लोगों ने सीख लिया, तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के फंक्शन या एलिमेंट हमने सीखे कि क्या क्या कार्य हैं और क्या इसके एलिमेंट या तत्व हैं, तो फंक्शन और एलिमेंट एक ही है इसके,
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपने सीखा और किस टाइप के इनसे क्वेश्चन बने हैं ये भी आपने यहाँ पर सीखा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग बताएं कि मैं वीडियो कंटिन्यू इस टाइप की करूं। और आप लोगों के लिए जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर और ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एग्जाम के, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर जो जिस भी टॉपिक से वो क्वेश्चन आए हैं, तो उन सभी टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करवा दूँ और बता दूँ कि आगे भी उन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक में से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और क्योंकि मैनेजमेंट के टॉपिक तो वही रहेंगे, मतलब कि काफ़ी हद तक मैनेजमेंट के जो टॉपिक हैं वही रहेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं करवा दूंगी, क्योंकि टॉपिक वही रहेगा। क्वेश्चन आपके भले ही पिछले बार सपोज कोई और क्वेश्चन आया हो उसी टॉपिक से, तो इस बार दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट के सभी जो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि ये कंटिन्यू मैं करूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए कंटिन्यू इस टाइप की वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।